हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, आज जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, तो मिलते हैं कौन है आज की गेस्ट और जानते हैं सरकार द्वारा उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या उन तक सुविधाएं पहुंच रही है। बहुत सारे जो आपके सवाल थे वो मैंने आज के गेस्ट से पूछे, तो कौन है गेस्ट करो, आज के गेस्ट कौन हो सकता है। मिलते हैं अपने मम्मी से। तो मम्मी, आप बताओ कि मोदी सरकार आपको क्या क्या देती है, मोदी सरकार की क्या देने चाहता होता है आप लोगों को? मोदी सरकार देने चाहता है बिजली खाम दे ऊपर लाइट दे, 6 बजे बवाना, 6 बजे मुझे। अच्छा, अपने आप सरकार राशन देने। अच्छा, कतो किलो देनी? देनी 30 पांच में। अच्छा, ये तो किलो दे। गेहूं चावल सब दे रही है? हाँ। अच्छा, और जैसे वो चूल दे। अच्छा, खाना बनाने के लिए चूल्हा दे रखा है? पान दे। अच्छा, वो हर घर जल नया पाइपलाइन दे, मतलब हर गांव में हर घर में पानी होना चाहिए, वो दे रखा है? अच्छा, और हॉस्पिटल में दवाई ववाई देती नहीं देती सस्ती? अच्छा, जो प्रधानमंत्री जन औषधि है जहाँ से आपके लिए दवाई लाते थे, तो वहाँ तो सस्ता मिलता ना दवाई, थोड़ा सस्ता? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मोदी आपको दवाई सस्ती दे, जैसे मतलब आपका हार्ट की दवाई सस्ती दे, थोड़ा सा शुगर की दवाई भी सस्ती दे, और क्या क्या मतलब सरकार कुछ काम कर रही नहीं करे, जैसे बट नहीं छह फंदा पहले बट बने सीमेंट बट बने। अच्छा, और एक देखा था मैंने, इधर लेटरिन बन रखी है, वो गवर्नमेंट ने पैसे दिए? 10,000 दिए जाएंगे आप बताइए। अच्छा, 10,000 रुपये दे रखे हैं। अच्छा, 2,000 रुपये प्रधान ने खा लिया, मतलब 10,000 रुपये लेटरिन बनाने के पैसे दिए, तो काफ़ी कुछ दे रही हैं गवर्नमेंट, मोदी सरकार काफ़ी कुछ दे रही है। अच्छा, और रोड कहाँ था पहुंची सरकारी रोड, कंसाड़ है? तल्लुली मानो गांव पहुंच गई रोड ऑली। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, मोदी आना चाहिए दोबारा या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, वो तो देखना कहीं आना चाहिए ना कि यह देश कहीं से कहीं जानता लोग। अच्छा, मम्मी का कहना यहाँ पर है कि मोदी को खुद आना चाहिए कि हमने उनको दे रखा है तो जनता में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, और मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में या नहीं बनना चाहिए? अच्छा, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि देश मजबूत होगा और आप जनता मजबूत होगा। चलो ठीक है फिर है। तो दोस्तों, आज मैं जगत ऑफिशियल है जो उनमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, और आप स्वागत करना इनका, और ये जगत ऑफिशियल जो चैनल है उनकी मदर है, और आप सभी हमारी मम्मी को नमस्कार करना। तो कैसा है, कैसा लग रहा है ये कैमरा, इसमें फ़ोटो वोटो आती है, वीडियो आती है, इसमें दुनिया के कोई भी है, कोई भी फ़ोन चलाता है जो भी, जिसमें फ़ोटो खींचते हैं जिस फ़ोन में, उसमें आपको देखेगा। तो क्या बोलना चाहोगे, इसमें आपकी फ़ोटो आ रही है, और अपने घर के बारे में बताओ। कुदपुरा अयोध्या 22 साल को तो पुराण जी हामिल बोल जखो तो साधु करने जब भी कर। अच्छा, 2001। अच्छा, 22 साल हो गए मतलब। अच्छा, 22 साल पुराने। अच्छा, और आजकल मौसम कैसा हो रखा है गांव का? बर्फ होने जाओ। अच्छा, ठंडा हुई। अच्छा, बढ़िया हुई मतलब, गर्मी में बोल सकनी। और हमारे गांव का नाम जलोटिया है, इसका नाम जलोटिया क्यों पड़ा? जलोटिया मतलब के हुन अच्छा, ग्राम सभा पाठों के अंदर ये जलोटिया गांव आता है, एक ही होता है, अतः गाँव का मतलब है। जवटा मतलब ये सुन की जो मौना जवट रहने वाले, तो वो जमाने में यहाँ बहुत ज्यादा जवट छवल। अच्छा अच्छा, और क्या बोलना है, जो लोग देखेंगे आपको कल के दिन में, आपके गांव वाले भी देखेंगे है, उनको कुछ बोलना नहीं बोलना? तो ये बिजली का ये बोल है, इसके बारे में बताओ, किसने दिया ये बिजली का खम्बा, ये वाला खम्बा है? सरकार ने। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, ये बिजली का खम्बा यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक लाइट शाम को 6 बजे जल जाती है और सुबह बंद हो जाती है 6 बजे तक, ऑटोमेटिक है, प्रत्येक के घर में लगे, हमारे गांव में लगभग 20 फैमिली है, तो सबके घर की वीडियो मैं बनाऊंगा। ये फिलहाल हमारे घर का है, और ये गवर्नमेंट, मैं बोलूँगा उत्तराखंड सरकार ने, मैं बोलूँगा केंद्र सरकार ने दिया है,
और इसके आगे ब्रिंजल के पेड़, चौलाए, मक्की। और यहाँ पर अब वो इस पेड़ का नाम क्या है? ये ढावनों क्या, ये ढावनों क्या जगह हरिओ हरिओ। इस पेड़ का नाम अभी बताएंगे मम्मी, इस पेड़ का नाम क्या? अठनी। इसका नाम अठनी है। अठनी बोले तो एक मामा द फादर ऑफ ऑरेंज एंड लेमन, ऐसे बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं। और अभी मैंने लगाया था बहुत पहले। और यहाँ पर खीरा का पेड़ है, और यहाँ पर पीच तो मालूम है आपको, पीच का पेड़ काफ़ी बड़ा है। और एक गुआवा, तो ये घर का है। और ये लाइट कब आई थी हमारे गांव में? 2010 में, 2007-08 में लाइट आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने दिया। और बिजली बिल को तो कौन 100-200 रुपये आता है, तो यहाँ तो उसे कुछ काम करते नहीं। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये कमरे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिए, घर का डिजाइन भी दिखा दिया। ये है ये ढावनों के अर्गुलेरा। ये रामदेव का पेड़ है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाऊं चाहूँगा बहुत नज़दीक से, ये देखता हूँ ग्रीन चिल्ली। और ग्रीन चिल्ली यहाँ पर है, ये चिल्ली का देखो बहुत तगड़ी यहाँ पर फसल हो रही है। यहाँ पर लगभग मुझे उम्मीद है कि एक टन नहीं तो एक ट्रक यहाँ पर मिर्ची की खेती होगी। और एक ककड़ी है, हाँ वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगदम श्री यूट्यूब चैनल, और आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब के थ्रू अपने गांव का। तो जो गांव है, गांव का जो फेमस चीज़ है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल सावन का महीना है, और ये मंडुआ की खेती, यहाँ पर काफ़ी खेत हैं, काफ़ी मंडुआ होता है इधर, चारों तरफ खेत आप देख सकते हैं। मंडुआ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, और उत्तराखंड में इसके तो बहुत अच्छी चीज़ें बनने लगी, बिस्किट, मिठाई, स्वीट। तो मैं भी चल पड़ा हूँ। जो हमारे गांव की आज से 20 साल पहले जब पानी नहीं आता था तो क्या था, तो यहाँ पर एक पनियार है, पनियार मतलब पंदेरा बोले, जहाँ से पानी निकलता था निचल, तो उसको आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। तो ये पूरा पानी सूख जाता है पूरे गाँव का, भाई यहाँ पानी कभी नहीं सूखता है। और आपको दिखा रहा हूँ मैं गदेरा है, यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पर है एक पानी का स्रोत, ये है। और आप देख रहे हैं मेरे कैमरे में, ये पानी का नाला है, बहुत अंग्रेजों का ज़माना का है ये पानी, ना तो कभी सूखता है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पानी, बहुत ही ठंडा पानी होता है गर्मियों में, और सर्दियों में ये होता है गर्म पानी। तो ये हमारे यहाँ का पानी का जुगाड़ है, और ये अंग्रेजों के ज़माने का 100-200 साल पुराना है। तो आपने देखा दोस्तों नमस्कार, वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक तो जरूर करें। जगत ऑफिशियल आपसे रिक्वेस्ट करता है वीडियो को शेयर करें, और ये सीरीज गांव की सीरीज को प्लीज शेयर करें।